डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर है। ये दोनों में फर्क है, बट बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम फील्ड को डिफाइन करेंगे। द ग्रेविटेशनल फील्ड कोई एक बॉडी है, कोई भी बॉडी, जैसे आपका अर्थ है, मून है, कोई भी प्लेनेट है, इवन दिस ये चौक है, कोई भी एक बॉडी, इट में भी स्मॉल, इट में भी ग्रेटर। तो हर एक बॉडी अपने चारों तरफ अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करता है जहाँ कोई दूसरी बॉडी जब आती है तो वह उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है। तो इसने क्या किया, अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया अराउंड इट। इस फील्ड में, इस बॉडी के चारों तरफ ये जो फील्ड बना ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें कहीं पर भी हम कोई बॉडी रखें, पॉइंट वन पे रखें, पॉइंट टू पे रखें, पॉइंट थ्री पे रखें, कहीं पर भी कोई दूसरी बॉडी रखें, तो वह बॉडी इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो ऐसा कहाँ तक हमको देखने को मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, मैक्सिमम वो सारा का सारा स्पेस इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। तो स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच व्हेन अदर बॉडी इज कैप्ट इट एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी। एंड रिमेंबर दैट इट इज ए लॉन्ग रेंज फील्ड। हम सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, तभी तो सन ने हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई कर रखा है। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, अर्थ से बहुत बीच में है, और भी आगे हैं, वीनस है, सैटर्न है, और भी आगे हैं प्लैनेट्स, वहाँ तक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड पहुँचा हुआ है। और बॉडी जितनी बड़ी होगी उसका ग्रेविटेशनल फील्ड का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। ग्रेटर द बॉडी, ग्रेटर द साइज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, तो एक बॉडी के चारों ओर का वह स्पेस जहाँ किसी और बॉडी को रखने पर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो, हम उस पूरे स्पेस को कहते हैं उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच अनदर बॉडी इज व्हेन प्लेस्ड इट फेल्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड जो किसी बॉडी के चारों तरफ प्रोड्यूस होता है। हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मून आता है। मून जो है हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तभी तो मून के ऊपर इसने फोर्स अप्लाई कर रखा है।
और मून जो है हमारे चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड सोचिए कहाँ तक पहुँचा होगा, बहुत दूर तक, क्योंकि हमारे अर्थ की साइज भी काफ़ी बड़ी है, इसकी मास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अर्थ की मास 24 किलोग्राम, ठीक है ना, इतना बड़ा मास है हमारे अर्थ के पास। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन अब सोचिए कि इस बॉडी का ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके भीतर हम कहीं भी कोई बॉडी रखते हैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाता है। अब मैंने बॉडी को यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा थर्ड पॉइंट पर, तो ज़रा सोच के बताइए कि बॉडी को, इस दूसरे बॉडी को जो हम रख रहे हैं 1, 2, 3 पर, किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। तो नेचुरली जब हम इस बॉडी के नज़दीक वाले पॉइंट पर रखेंगे नंबर 3 पर, और मिनिमम कहाँ होगा नंबर 1 पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक। तो जो पॉइंट जितने ज़्यादा डिस्टेंस पर है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ही कम होगा, और जो पॉइंट जितना नज़दीक होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड उतना ही ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इसी इफ़ेक्ट को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तो किसे बॉडी ने अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, और उस फील्ड के किसी पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी का फील्ड है ये हमको मेजर करना है, तो हम वहाँ पर यूनिट मास रख देते हैं। यूनिट मास, वो यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जितना फोर्स अनुभव करता है, या उसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होता है, हम उसी को कहते हैं उस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी, वही होगा फील्ड की इंटेंसिटी। तो किसी भी फील्ड के किसी भी पॉइंट पर यदि हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वहाँ पर हमको यूनिट मास रखना है बस, और वो यूनिट मास जितना फोर्स फील करेगा उसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई होगा बस वही उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड कहलाएगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा वही आपके फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। इट इज़ अ वेक्टर, ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड क्या हुआ, चलिए हम इसको ई से दिखाएंगे। द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन ए फील्ड इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर वही उस फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगा। लेकिन बाय द वे हम एक्सपेरिमेंट करने पहुँचे और हमको यूनिट मास अवेलेबल नहीं हुआ कि मुझे इस पॉइंट का, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो मुझको एज पर डेफिनेशन यहाँ पर यूनिट मास रखना चाहिए, और उसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, मैं उसको मेजर कर लूँगा, वही वहाँ का इंटेंसिटी होगा। लेकिन बाय द वे हमको यूनिट मास नहीं मिला,
तो जो मास अवेलेबल है आप उस मास को रख दीजिए। मान लीजिए आपको एम मास मिला, एम मास हमने रख दिया, इसके ऊपर मान लीजिए कि फोर्स अप्लाई हुआ एफ। तो बताइए एम मास रखा था तो फोर्स एफ अप्लाई हुआ है, यूनिट रखता तो कितना होता है? यस, एम रखने पर एफ फोर्स अप्लाई हुआ तो यूनिट रखने पर कितना होगा? तो नेचुरली एफ बाई एम। और एफ बाई एम यानी हमको क्या मिल गया? इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एट दिस पॉइंट पी। तो यूनिट मास ना मिले तो किसी से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट मास आप जो दूसरा जो मास रख रहे हैं ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि अपनी प्रेजेंस से वो फील्ड को ही चेंज कर दे। भाई ये भी क्या करेगा, अपना फील्ड बनाएगा। अब बहुत बड़ा मास रखोगे तो क्या कर सकता है वो? फील्ड को अल्टर कर सकता है, फील्ड को बदल सकता है, फील्ड में चेंज ला सकता है, फील्ड की नेचर बदल सकता है। हमको ये सब चेंज नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना होगा? कोई भी एक छोटा सा मास रखना होगा। एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द टेस्ट मास। टेस्ट मास मीन्स ए वेरी 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 स्मॉल मास विच कैन नॉट चेंज द फील्ड ड्यू टू इट्स प्रेजेंस। एक ऐसा मास जो अपनी प्रेजेंस से फील्ड को चेंज ना कर पाए, उतना छोटा मास रखिए और फिर वहाँ से आप फील्ड के लिए कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो इफ फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट मास एम placed at a point P is equal to F, और ये तो वेक्टर है तो वेक्टर लगा देता हूँ, then intensity of field एट पी ई बराबर होगा एफ बाई एम। इतना इंटेंसिटी का फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एफ बाई एम। तो यहां से आप इसका यूनिट बना सकते हो, इसका यूनिट तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, मास का हो गया किलोग्राम, तो होता है न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, न्यूटन पर किलोग्राम ये इंटेंसिटी होगी। और देख ही रहो कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास। तो चलिए कोई एक पॉइंट मास है हमारे पास, उसने किसी पॉइंट पर कितना फील्ड प्रोड्यूस किया है उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास, कि पॉइंट मास कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट मास है, न केवल पॉइंट मास है बल्कि फिक्स्ड पॉइंट मास है, अपनी जगह पे फिक्स है। और मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मालूम करनी है कि कितनी होगी। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? यहाँ पर एक टेस्ट मास रखना पड़ेगा। टेस्ट मास माने छोटा सा मास रखना पड़ेगा, और उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये मेजर कर। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एम मास का एक टेस्ट मास रखा, इसके ऊपर इसने फोर्स अप्लाई कर दिया एफ। ये एफ आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, टेस्ट मास की वैल्यू भी आपको मालूम है। तो अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट एम इज ए फिक्स्ड पॉइंट मास,
फिक्स पॉइंट मास। वी हैव टू बी डिटरमाइन, वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट पी सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर। आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। व्हेन ए टेस्ट मास एम स्मॉल एम इज प्लेस्ड एट पी देन फोर्स अप्लाइड ऑन इट एफ विल बी इक्वल टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली जी एम एम बाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स अप्लाई होगा जी इंटू फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और इतना फोर्स अगर है तो फिर इंटेंसिटी कितनी हुई, इंटेंसिटी कितनी हुई, एंड देयर फोर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट पी इज इक्वल टू, अभी हमने डिफाइन किया एफ बाई एम, इतना तो हमको मिल गया जी एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि एम और एम तो कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए पॉइंट मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पॉइंट बॉडी। ठीक है, इतना फील्ड मिलता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और बता दूँ, नोट, सिंस ई वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड एज द फोर्स बाई मास एंड देयरफोर द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फील्ड, देयरफोर द फोर्स विल बी गिवन बाई मास इनटू फील्ड। तो ई इंटेंसिटी के फील्ड में कोई एम मास रख दें हम, एम मास, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा, जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स भी अप्लाई होगा, बोथ विल एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, क्योंकि एफ के डायरेक्शन में ई होता है तो ई की डायरेक्शन में एफ होगा नेचुरली। तो कभी कभी यहाँ से हमको फोर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फोर्स क्या हो गया, मास इंटू इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। मास इंटू इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। ठीक, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आर जैसे जैसे रिड्यूस होगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा, इंटेंसिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी वैसे वैसे घटती जाएगी। यानी हम ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गए तो फील्ड कम मिलेगा, हम कम डिस्टेंस पर हैं तो फील्ड ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम कम करते 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 हम सीधे उसी पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर कि मास रखा हुआ है, तब कितना होगा। तो इक्वेशन तो कहता है भाई कि आर अब जीरो हो गया है, और आर यदि जीरो हो गया तो फील्ड इनफाइनाइट होना चाहिए, फील्ड इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि फील्ड इनफाइनाइट हो गया तो उसके ऊपर फिर इनफाइनाइट फोर्स भी अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं, और फोर्स अप्लाई हो गया तो फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर लेगा, लेकिन एक बॉडी जो है जहाँ है वहीं रखा रहता है, मूव नहीं करता है। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी अपनी लोकेशन पर फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। ऑफकोर्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इट विल बी इन्फिनिटी, बट इट इज़ नॉट ट्रू। क्या होता है, नो फील्ड, क्या होता है, जीरो फील्ड। कहाँ, उसी की लोकेशन पर, जहाँ बॉडी रखी उसी लोकेशन पर फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा, नोट, इफ आर इक्वल टू जीरो देन फील्ड ई इज आल्सो इक्वल टू जीरो।
यहाँ पर जो मैथमेटिक्स मत लगाना कि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो इन्फिनिटी होना चाहिए, नो मैथमेटिक्स, ठीक है, केवल फिजिक्स लगाना है। और फिजिक्स कहता है कि फील्ड जीरो होगा, ठीक है, एंड देयरफॉर ए बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस फील्ड एट इट्स ऑन लोकेशन, अपनी ही लोकेशन पर कोई बॉडी फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमको मालूम है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी तो हमारा अर्थ है, स्फेरिकल है, तो ऐसे ही हमारे पूरे यूनिवर्स में जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं वो सब स्फेरिकल शेप में भी में ही है। तो एक स्फेयर जो है वो कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है ये ज़रा निकाल लें, तो वो जो रिजल्ट आएगा हम अपने अर्थ के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड ड्यू टू स्फेयर, एक स्फेयर कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है ये निकालते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्फेरिकल बॉडी है, इसकी रेडियस आर है, सेंटर वो है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर किसी दिए गए पॉइंट पी पर हम फील्ड मालूम करना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेस्ट मास रखना पड़ेगा, उस टेस्ट मास के ऊपर इस स्फीयर का मास मान लीजिए कैपिटल एम है, इसने इस पॉइंट मास के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया ये फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, और फोर्स मिल गया तो एफ बाई एम इज़ द फील्ड सीधा सीधा निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर तीन बातें हो सकती हैं, कौन कौन सी तीन बातें, कि आपका पॉइंट जो है आपके स्फीयर से बाहर हो, या आपके स्फीयर के ऊपर हो, या आपके स्फीयर के भीतर हो, तीनों के लिए हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो केस वन, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर मीन्स स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये जो पॉइंट का डिस्टेंस हम लेते हैं स्मॉल आर, इट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो पॉइंट कहाँ हो गया, बाहर, चलिए निकालो, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट मास प्लेस्ड एट पी, पी पर रखा हुआ एक टेस्ट मास एम पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो न्यूटन्स लॉ कहता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इतना। एंड देयरफॉर फील्ड एट पी इज इक्वल टू एफ बाई एम, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, वही रिजल्ट जो कि हमने पॉइंट मास के लिए पाया है। हाँ, लेकिन याद रखने का कि यहाँ पर r क्या है, तो r है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। अब यदि हम स्फीयर के सरफेस पर ही आ गए तब कितना होगा, तो हम यदि सरफेस पर रखें अपने टेस्ट मास को, अब यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो भी आपके आपका जो पॉइंट मास m है आपके स्फीयर से कितने डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से डिस्टेंस नापेंगे तभी भी वही है r, कैपिटल r, स्मॉल r की जगह कैपिटल r हो गया, ठीक है। तो केस टू, अब इसको मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, तो केस टू है r इज इक्वल टू r, मतलब क्या हुआ कि पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पॉइंट हमारे स्फीयर के सरफेस पर है, तो अब कितना फोर्स होगा एफ, तो एफ होगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर,
स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया एंड देयर फोर इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इज एफ बाई एम, सो इट इज जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखें कि फॉर अर्थ आर इज इक्वल टू आर ई द रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर ई मिलेगा सरफेस पर जी एम बाई आर ई का स्क्वायर, मीन्स स्मॉल जी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक ही क्वांटिटी है, नाम दो अलग अलग हो रहे हैं लेकिन क्वांटिटी एक ही है, वैल्यू एक ही है, डायरेक्शन सेम है। जी किधर होता है? हमेशा टूवर्ड सेंटर। तो ई किधर होगा? ऑलवेज टूवर्ड सेंटर। किधर फोर्स अप्लाई होगा? टूवर्ड सेंटर। ठीक। और इसलिए ई और जी इक्वल होते हैं अर्थ के लिए या किसी भी प्लैनेट के लिए। ठीक है। एंड केस थ्री कि आर इज लेस देन आर, पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो रेडियस से छोटी है, इसका मतलब हो गया कि आपका पॉइंट स्फीयर के भीतर आ गया, स्फीयर के भीतर आ गया इस तरह से। अब पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, कितनी डेप्थ पर है? h, ये सेंटर। रेडियस कितना है अर्थ का? r। तो ये रेडियस कितना हो गया? r माइनस h इक्वल टू r, ये r होगा। और अब यहाँ पर मैंने मास m रखा, तो उस मास m के ऊपर ये पूरा अर्थ या पूरा स्फीयर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। कितना पोर्शन करेगा? तो मास के नीचे जो स्फेरिकल पार्ट होता है केवल वही फोर्स अप्लाई करता है, मीन्स ये आर माइनस एच रेडियस का जो स्फीयर बचा है उसका जितना मास होगा वही मास यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, वही करेगा। पूरा स्फीयर और अर्थ की बात हम करें तो पूरा अर्थ अब हमारे टेस्ट मास के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो लेट द पॉइंट इज सिचुएटेड एट ए डेप्थ h फ्रॉम सरफेस एंड देयरफॉर R is equal to is now equal to R minus H. When a test charge, sorry, test mass M is placed at this point the spherical part below the mass means shaded mass, ये जो मैंने shaded कर दिया केवल उतना mass will apply gravitational force on the test mass तो टेस्ट मास के ऊपर केवल इतना अप्लाई करेगा। मान लो कि इसका मास m डैश है, m डैश, तो कितना फोर्स अप्लाई होगा भाई? कितना फोर्स अप्लाई होगा? तो फोर्स अप्लाई हो रहा है f इज इक्वल टू जी एम डैश एम अपॉन आर स्क्वायर। मैं इतने को r मान रहा हूँ, स्मॉल r, इतना फोर्स अप्लाई हुआ। अब मुझको एम डैश तो निकालना पड़ेगा, एम डैश निकालना पड़ेगा, सिंस एवरेज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर
rho will be equal to the mass upon volume, इतना हो जाएगा। हमारे पूरे स्फीयर का इतना डेंसिटी है, तो फिर वो जो शेडेड पोर्शन उसका मास कितना होगा? एंड देयरफॉर मास ऑफ द शेडेड पार्ट एम डैश विल इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, रो इनटू वॉल्यूम। तो रो तो मिला एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और इतने पोर्शन का जो वॉल्यूम हुआ ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई ये तो हो गया कैंसिल, सो इट इज एम आर क्यूब बाई एम, सॉरी एम आर क्यूब बाई आर क्यूब, इतना होगा इस पोर्शन का मास। तो चलिए एम डैश की जगह हम ये रख लेते हैं, एम डैश की जगह रख लो तो एफ आपको मिल गया, द फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट मास आपको मिल गया, एफ इज इक्वल टू जी, एम डैश की जगह रख रहे हैं एम आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या मिल गया? जी एम एम आर अपॉन आर क्यूब, इतना फोर्स अप्लाई हुआ। एंड देयर फोर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एफ बाई एम, सो इट इज जी एम आर बाई आर क्यूब, जी एम आर बाई आर क्यूब, इतना मिलेगा। अगर ऊपर से डेप्थ दिया है तो स्मॉल आर की जगह आर माइनस एच रख देना, ठीक है। तो भाई ये है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अब जरा सेंटर पे पहुंच जाइए, तो यदि हम सेंटर पे आ गए इसका मतलब कि आर कितना हो गया? कैपिटल आर के बराबर। कितनी गहराई पे चले गए? तो कैपिटल आर के बराबर। तो एक स्पेशल केस हो जाएगा, एंड देयरफॉर एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्या मिलने वाला है? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, नो आर तो डेप्थ हो गया, एच की जगह रखेंगे हम, यहीं पहुंच गया माने आर की वैल्यू जीरो हो गई, नो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जीरो, और ये आर की वैल्यू जीरो हो गई देन इज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो एक स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ये जीरो होता है, और मैंने कहा ना कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने ये भी देखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जीरो, तो सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। एंड दैट्स वाई एवरीवेयर E इज इक्वल टू जी ड्यू टू द प्लैनेट, जैसे कि हमारा अर्थ, तो अर्थ के लिए जिस पॉइंट पर जितना G होगा बस उतना ही उस पॉइंट पर E की वैल्यू होगी। हाँ, G का यूनिट होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, E का यूनिट हमने चेंज कर लिया न्यूटन पर किलोग्राम, लेकिन है दोनों सेम, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला भी आपको क्या मिलेगा? सेम, नो चेंज। तो बच्चों ये था फील्ड। अब जरा पोटेंशियल क्या होता है ये समझें। पोटेंशियल,
पोटेंशियल। तो जैसे कि फील्ड रिलेटेड है फोर्स से, और फोर्स एक वेक्टर है इसलिए फील्ड भी एक वेक्टर हो गया, ठीक उसी तरह से जो पोटेंशियल है इट इज रिलेटेड टू द वर्क, ये वर्क से रिलेटेड होता है, ठीक है, और इसलिए ये एक स्केलर है, बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो हमने पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, किस तरह से डिफाइन, तो देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट मास को ले जाने में जितना वर्क आप करते हैं, यूनिट मास को ले जाने में जितना वर्क आप करते हैं वही होता है उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली हमने पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया हुआ है, एक्चुअली हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। क्या डिफाइन किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन द यूनिट मास इन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट without acceleration is called potential difference between the points, तो मेरे पास दो पॉइंट हैं P1 और P2 और मैं यहाँ से यूनिट मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहा हूँ विदाउट एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए माने वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, और वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि नो एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के मैं यूनिट मास को यहां से यहां तक पहुंचा दूं, और इस पूरे प्रोसेस में मैंने जितना वर्क किया ये वर्क ही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल को मैं वी से दिखाता हूं, तो यहां से वहां तक ले जाने में जो वर्क हुआ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन एंड टू। अब मान ली कि P1 का पोटेंशियल V1 है, P2 का पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, कोई भी एक होगा। तो भाई ये तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्या होना चाहिए फिर, V1 माइनस V2 कि V2 माइनस V1। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया, क्या, इट इज ऑलवेज टेकन एज द फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो इन दिस एग्जांपल इट इज V2 माइनस V1, इट इज V2 माइनस V1, आर इट इज गिवन बाई डेल्टा वी द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन भाई यदि हमको यूनिट मास नहीं मिला फॉर एक्सपेरिमेंट तो क्या करेंगे, तो जो मास मिल रहा है हम उसको लेके चलेंगे, क्या कहलाता है ये, टेस्ट मास,
टेस्ट मास क्या होता है, एक बहुत छोटा सा मास लेकर के गए। तो इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट मास एम फ्रॉम द पॉइंट वन टू द पॉइंट टू इज डब्लू, मान लेते कि ये डब्लू के बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो भाई एम मास को ले जा रहे हैं तो डब्लू वर्क करना पड़ा, यूनिट ले जाते तो क्या होता, डब्लू बाई एम, बिल्कुल राइट। एंड दैट्स वाई द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू डब्लू बाई एम, वर्क अपॉन मास, डब्लू बाई एम। एंड दैट्स वाई द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आर पोटेंशियल इज जूल पर किलोग्राम, क्या मिलेगा, जूल पर किलोग्राम, इतना होता है, ठीक, इतना मिलेगा। और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला फिर से मिल जाता है आपको कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बाई एम, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। एम मास को डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से ले जाना हो तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। और ऑलवेज रिमेंबर दैट डेल्टा वी मीन्स द फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। और इसका यूज हम आगे चल के कई जगह फार्मूला डेरिवेशन में भी करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी करते हैं। द वर्क डन इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो कि जो वर्क हुआ ये केवल इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, किस रास्ते से जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। कि जो पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एम ले जाना चाहते हैं एम मास को, तो इसके तो कई कई रास्ते मिलेंगे, कई कई रास्ते मिलेंगे इस तरह से, वन टू सिक्स थर्ड, कई रास्ते मिलेंगे। तो चाहे जिस रास्ते से भी आप पहुँचो वन से टू, आपका जो वर्क होगा वो इतना ही होगा। इट मीन्स द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट मास आर एनी मास फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल। एंड दे आर फोर वर्क डन नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका यूज जेई वगैरह के प्रॉब्लम में होता है, ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आप जब क्लास ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट होता है। यहाँ पर पोटेंशियल या फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो मास, वहाँ प्रोड्यूस करता है चार्ज। तो जहाँ जहाँ तुमने एम लिखा वहाँ वहाँ पर आपको चार्ज का सिंबल लेना पड़ेगा, माने क्यू रखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर हम केवल और केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर पाते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी पॉइंट का हम मालूम नहीं कर पाते। तो ये तो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है फिर तो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं हुआ, कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए, हमें ये भी मालूम होना चाहिए, तब तो निकालते, लेकिन हम तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या कैलकुलेट पा रहे हैं? ओनली द डिफरेंस इन पोटेंशियल, केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं, पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं कर पाते। तो हमने इसके लिए एक रास्ता ढूंढा कि किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम किस तरह से मेजर करें। तो करेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर, लेकिन हम एक पॉइंट रखेंगे इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी पर।
और याद रखना कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जो है वो जीरो माना गया है, क्योंकि किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं भाई, उसकी एक लिमिट है, एक लिमिट है, वहीं तक उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट पहुँचेगा, और जहाँ तक पहुँचा उसी को हम उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो फील्ड लॉन्ग रेंज होता है लेकिन इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होता। और इससे यदि हम इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो एक पोटेंशियल आपका जीरो हो गया तो हमको दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकाल आएगा। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज जीरो, इज टेकन एज जीरो, एंड देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट और यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दीजिए विदाउट एक्सेलरेशन। कैसे लाना है? विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट कि जिस पॉइंट तक आपने यूनिट मास को लेके आ गए हो उस पॉइंट का वो पोटेंशियल कहलाएगा। सीधा सीधा पोटेंशियल आ गया, हम पोटेंशियल डिफरेंस ही नाप रहे हैं लेकिन इन्फिनिटी और पॉइंट के बीच, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है इसलिए हमको सीधा अपने पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। अब फिर से वही यूनिट मास नहीं मिला तो टेस्ट मास लेके आए, एम मास लेके आए, और पूरे प्रोसेस हमको वर्क करना पड़ा डब्लू डब्लू। तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्लू बाई एम। अब हम कहते हैं कि वी इन्फिनिटी बराबर जीरो है एंड देयरफॉर पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू डब्लू बाई एम, ये डेफिनेशन बन गया आपका। तो इस तरह से हम किसी एक पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी मालूम कर सकते हैं, और उसके लिए हमको कुछ नहीं वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क कि हमने उसको लाने में कितना वर्क किया बिना एक्सेलरेशन के, ठीक है ना। तो चलिए पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास कि कहीं पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है उसने कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस किया ये हम निकालते हैं आर डिस्टेंस पे। हम आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, यहां मालूम करना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल है। तो क्या करेंगे हम इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, चले गए वहाँ से एक टेस्ट मास लिया एम ले लिया और इसको लेकर के हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द पॉइंट सपोज पी, टुवर्ड्स द पॉइंट पी। कहाँ पहुँच गए हैं? हम पहुँच गए किसी पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट पी जो था ये आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट क्यू मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर है, और जब x डिस्टेंस पे आया तो m मास ने इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दिया fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बॉडी के ऊपर इस मास m के ऊपर जब एक फोर्स अप्लाई होगा तब तो वो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और हमको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। तो क्या करें? इतना ही बट अपोजिट फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, ये लीजिए, ठीक है, और फिर अपने फोर्स को धीरे धीरे ढील देते, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं थोड़ा थोड़ा ढील देते जाते हैं पतंग आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही आपने अपना फोर्स जो है 0.00001 न्यूटन कम कर दिया तो ये 0.00001 न्यूटन से ज़्यादा हो गया तो ये उधर सरक जाएगा। तो धीरे 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 शिफ्ट कराते हुए कहाँ से लेके आना है? इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है? पी तक लाना है,
कितना वर्क हुआ आप निकालिए। तो मान लीजिए हमने इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx, तो कितना वर्क आपने किया, ठीक है, बस ये कैलकुलेट कर लें तो फिर इंटीग्रेट करके हम पूरा वर्क निकाल लेंगे, ठीक है, पूरा वर्क निकाल लेंगे। याद रखना कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ जी कितने के बराबर है, नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों अपोजिट हैं इसलिए, दोनों अपोजिट हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो वर्क डन इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हम दे रहे हैं, तो कितना वर्क हम कर रहे हैं, तो dw इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू dx, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आपने इधर अप्लाई कर रखा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो वर्क निगेटिव तो होगा। लेकिन मैं माइनस एफ एक्सटर्नल की जगह में मैं एफ जी रख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू डी एक्स। अब इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इतना वर्क आपने किया, इतना वर्क आपने किया, एंड देयरफॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो यू शुड इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी से हमको यहाँ तक लाना है, आर तक लाना है, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए बच्चों कि जी एम एम ये तो सब कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, जी एम एम सब कॉन्स्टेंट है बाहर किया, तो आई शुड इंटीग्रेट वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वन बाई एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का पावर माइनस टू है ना, एक्स का पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और जो नया पावर बना उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स का पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन मीन्स माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स, तो हो गया जी एम एम माइनस वन बाई एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। इतना तो कितना हो गया, माइनस मैंने बाहर कर दिया जी एम एम वन बाई आर माइनस वन बाई इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब वन बाई इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो क्या बच गया, माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस जी एम एम बाई आर, इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये तो निकला है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ये डब्ल्यू के वैल्यू था, ठीक है, टोटल वर्क डन हमको इतना करना पड़ेगा। अब W मालूम है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो, उन दो पॉइंट का जहाँ पर आपने उस पॉइंट मास को मूव कराया, इन्फिनिटी एंड P, एंड देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड इन्फिनिटी वी पी माइनस वी इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, डेफिनेशन तो ही दिया है हमने। अब डब्ल्यू इतना आ गया, एम से डिवाइड करेंगे तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो हो गया वी पी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर बाई एम, ये हो गया कैंसिल, एंड दैट्स वाई द वी पी पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर।
तो याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट का हमेशा निगेटिव मिलेगा, इट इज ऑलवेज निगेटिव। क्यों निगेटिव मिलता है? क्योंकि भाई अट्रैक्शन का फोर्स है, इसलिए निगेटिव आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पॉइंट मास के कारण हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू स्फीयर। तो बच्चों में स्फीयर के लिए, और वो भी कहाँ पर, जब पॉइंट बाहर हो या जब पॉइंट सरफेस पे हो। सरफेस के भीतर वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं कभी और आपको बतलाऊंगा, उसका पूरा डेरिवेशन आपको करके दूंगा। अब ये दो के लिए आपको निकालना है, कहाँ कहाँ पर, आउटसाइड द सरफेस एंड ऑन द सरफेस। बिल्कुल ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है, सेम बिल्कुल यही आएगा। एम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट मास था, अब एम जो है वो स्फीयर का मास है। आर क्या हो जाएगा, स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस। सब कुछ यही, यहाँ पर आपको भी स्फीयर कंसीडर करना है ऐसा, जिसकी रेडियस आर है, मास एम है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो बच्चों ये मैं तुम्हारे लिए एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, एक टास्क आपको दे रहा हूँ, तो आपको इसको कंप्लीट करना है, इसको पूरा डिराइव करना है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बतलाना, ठीक है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, आप डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। और जो आपने रिजल्ट निकाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और उस रिजल्ट को हम आगे चल के यूज करेंगे कहीं कहीं। कैसे करते हैं, हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।